आज हम थर्ड और आखिरी कार्नेटिक वॉर को समझते हैं। 1756 में यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस एक बार फिर आमने सामने आ गए। अब इसका असर इंडिया पर भी दिखना ही था। इसके चलते फ्रेंच कंपनी और इंग्लिश कंपनी की कार्नेटिक एरिया में लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई के बीच एक इम्पोर्टेंट इवेंट ये हुआ कि इंग्लिश कंपनी 1757 की बैटल ऑफ प्लासी को जीतकर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो गई। इस नई स्ट्रेंथ के साथ इंग्लिश कंपनी ने 1760 की बैटल ऑफ वेंडी वैश में फ्रेंच कंपनी को बुरी तरह हरा। ये बैटल फ्रेंच कंपनी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। इसी के साथ थर्ड कार्नेटिक वॉर भी एंड हुई। 1763 की ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत फ्रेंच कंपनी की इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बैन कर दिया गया। अब फ्रेंच कंपनी इंडिया में बस छोटा मोटा ट्रेड कर सकती थी। मतलब अब इंग्लिश कंपनी का इंडिया में कोई भी यूरोपियन राइवल नहीं बचा था। इसी के साथ हमारी कार्नेटिक वॉर की सीरीज खत्म होती है। अगली सीरीज हम किस टॉपिक पर बनाएं कमेंट करके जरूर बताएं। और यूपीएससी के टॉपिक्स को ऐसे ग्राफिक तरीके से समझने के लिए फॉलो करें यूपीएससी विद विशाल रत्तेवाल।